यहाँ से लेके यहाँ तक जितना बाइक है, तालाबाद के KFC, उसके बाद बहुत अलग अलग कंपनी का जो बाइक है, ये देखिए दोस्तों। अगर आपको इंटरेस्ट है बाइक डिलीवरी बॉय का काम करने के लिए तो आप लोग आ सकते हो, ठीक है ना। अभी मेरे पास एक कंपनी है, न्यू कंपनी है, न्यू मतलब ओपनिंग हुआ है ये डिलीवरी सर्विस का, ठीक है ना। तो बाइक वीज़ा और बाइक प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना, वीज़ा और बाइक प्रोवाइड कराता है। ये देखिए, ये जो भी बाइक खड़ा हुआ है सब अलग अलग कंपनी का है, ज़्यादा करके तालाबाद का है, तालाबाद KFC और डिलीवरो वगैरह का है, ठीक है ना। ये देखिए, एक बाइक जा रहे हैं तालाबाद का, ठीक है। अभी ये सब बाइक के बारे में आपको कुछ मैं इन्फॉर्म देता हूँ। इधर बहुत हवा ज़्यादा चल रहा है, थोड़ा अंदर जाके बात करता हूँ आपको। आप लोगों को बाइक डिलीवरी बॉय के लिए बहुत अलग अलग वीज़ा मिल जाएगा, बहुत अलग अलग कंपनी मिल जाएगा। ये जो इसको सप्लाई कंपनी बोलते हैं, जैसा आप अगर इंडिया से आओगे तो आपको डायरेक्ट तालाबाद ने वीज़ा नहीं देगा, तालाबाद की वजह से आप तालाबाद का तरफ से आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आपको दूसरा एक कंपनी रहेगा, ठीक है ना। वो सब जैसा जून डिलीवरी अपलिफ्ट हो गया, ऐसा बहुत बहुत अलग अलग कंपनी है, वो लोग क्या करता है राइडर को हायर करते हैं, ठीक है ना, हायर करते हैं, वो लोग वीज़ा देते हैं, वीज़ा दे के वो लोग बुलाते हैं यहाँ पे, बुलाने के बाद आपसे पैसा जो भी है डिमांड करेगा, जैसा हो गया कोई कोई लोग 12,000 दिरहम लेते हैं, कोई कोई 11,000 12,000 14,000 ऐसा लेते हैं, तो उसमें से तुमको आप लोगों को मतलब एडवांस देना पड़ता है, कुछ पैसा 50% एडवांस देना पड़ता है, कहीं कहीं जगह पे 80% एडवांस देना पड़ता है, अब बाकी सब मतलब EMI ऑप्शन रहता है, EMI के तरफ से मतलब सैलरी से काटते हो, ठीक है ना। अगर आप लोग को इंटरेस्ट है बाइक डिलीवरी बॉय के लिए तो आप लोग आ सकते हैं, मेरे पास एक दो कंपनी का नंबर है, मैं दे सकता हूँ आप लोगों को, आप लोग बात करके आ सकते हैं। मेरा एक पहचान वाला है, ठीक है ना, मेरा एक पहचान वाला है, उसका भी अगर नंबर चाहिए तो, नया ओपनिंग किया है कंपनी, तो अभी राइडर हायर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं उनका भी नंबर दे सकता हूँ, ठीक है। उसमें खसारा आएगा, ये जो न्यू जो कंपनी, ये जो मैं कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको मैं जानता हूँ, वो नया ओपनिंग हुआ है कंपनी, कम से कम 35-40 लोग अभी तक मतलब वो लोग का काम प्रोसेस में है, लाइसेंस बन रहा है, वीज़ा आ गया, तो ये लोग 11,000 दिरहम फिलहाल ले रहा है, ठीक है ना। तो 11,000 दिरहम में से 5,000 दिरहम मतलब एडवांस देना पड़ता है, और 6,000 उसके बाद जैसा आप काम पे लग जाओगे तो सैलरी से 6,000 दिरहम वो लोग काटते हैं, और उसका टोटल प्रोसेस 3-4 महीना लग जाता है। अगर आप विजिट वीज़ा में आओगे यहाँ पे तो उसका खसारा आपको खुद को रहेगा, और विजिट वीज़ा में आने के बाद ये लोग आपको आप सब डॉक्यूमेंट्स जब जमा दोगे, पैसा जमा दोगे 50% 5,000 दिरहम, तो भी वो लोग वीज़ा अप्लाई करेंगे। वीज़ा का मैक्सिमम मतलब 20 दिन से 1 महीना तक वीज़ा का लग जाता है, वीज़ा आते आते, उसके बाद आपको ये लाइसेंस का प्रोसेस चालू होगा, ठीक है। तो लाइसेंस में ज़्यादा 2-3 महीना लग जाएगा लाइसेंस, ठीक है ना। कोई कोई वो लोग बताते 35-40 दिन बताते 2 महीना, तो मैं बता रहा हूँ अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो 3 महीने के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। वीज़ा का 1 महीना और लाइसेंस का 3 महीना, टोटल 4 महीना तक जाएगा, टोटल लगेगा। तो 4 महीना का जो भी खसारा है वो आपको खुद को मतलब करना होगा यहाँ पे रहने खाने का। इसमें अभी बहुत भाई लोग आते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा करके अपना पाकिस्तान के भाई लोग आते हैं, आज का टाइम पे तो सब लोग आ रहे हैं, इंडिया से भी आ रहे हैं, नेपाल से भी आ रहे हैं, और बांग्लादेश से भी बहुत भाई लोग आ रहे हैं ये काम पे, लेकिन शुरुआत में पाकिस्तानी भाई लोग मतलब ज़्यादा आते थे। तो उसमें अगर सैलरी का बात करें तो उसमें कमीशन ऑप्शन रहता है, ठीक है ना। कोई कोई जगह पे फिक्स सैलरी रहता है, कोई कोई जगह पे कमीशन रहता है। तो अगर आपको कमीशन में ज़्यादा करके कमीशन ही रहता है, आप कमीशन पकड़ लो, तालाबाद जो है ना, तालाबाद आपको 750 ऐसा मतलब कमीशन देता है पार्ट डिलीवरी,
और डिलीवरो है, उसके बाद करीम है, नून फूड है, तो सबका अलग अलग मतलब कमीशन रहता है, ठीक है ना। तो जितना भी मुझे जानकारी है, मैं जितना भी लोगों से बात किया हूँ, तो उसमें कम से कम आपको 3 से 4 हज़ार तक आपको कमाई हो जाता है महीना का, 3 से 4 हज़ार देना, ठीक है ना। तो मैं कम से कम पकड़ रहा हूँ, कम से कम तो आपको 2500 दिरहम बचेगा यहाँ का। अगर आपको ज़्यादा पकड़ो तो कोई 3000, कोई 4000, जो ज़्यादा मेहनत करता है वो 4000 भी कमा लेता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप कितना घंटा ड्यूटी करोगे, उसमें ओवर टाइम भी है। अगर आप ज़्यादा ओवर टाइम करोगे तो आपको ज़्यादा पैसा कमाई होगा, और आप अगर धीरे धीरे करोगे जैसा 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी रहेगा उसके अंदर, आपको अगर आप जल्दी जल्दी कर लोगे तो जितना ज़्यादा करोगे आपका ज़्यादा होगा। अगर कम से कम अगर एकदम नॉर्मली आप करोगे फिर भी आपको 3000 तक तो कमाई हो ही जाता है। मुझे जितना जानकारी है, मुझे मैं जितना लोगों से बात करके जानकारी लिया, ठीक है ना। अभी जितना भी जानकारी है मुझे आपको, आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर और भी कुछ आप लोगों को जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट करके आप लोग मुझे पूछ सकते हो। अगर कुछ जानकारी लेना है तो मैं और जानकारी लेके आप लोगों को और ज़्यादा बताऊंगा, ठीक है ना। अगर लाइसेंस के बारे में आप लोग पूछना चाहते हो, वीज़ा के बारे में पूछना चाहते हो, पैसा कितना लगेगा, कितना खसारा है, जो भी आप लोगों को पूछना है आप लोग पूछ सकते हो। मुझे जितना भी जानकारी है होगा मुझे, मैं आप लोगों को पूछ के ज़रूर बताऊँगा, ठीक है ना। और मैं नंबर नहीं दे रहा हूँ अभी, आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर किसी को इंटरेस्ट है आना है तो मेरा एक पहचान वाला है, एक इंडिया का कंपनी है, तो न्यू ओपनिंग किया है लोग, तो अच्छा बंदा है। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो मैं उनका नंबर दे देता हूँ, आप लोग बात करके उनसे आ सकते हो, या मुझे अगर कहोगे तो मैं भी कुछ मतलब बात कर सकता हूँ, ठीक है। दुबई में आजकल क्या है ना, काम का बहुत ही मतलब प्रॉब्लम चल रहा है, काम नहीं है। तो ये जो काम है ये थोड़ा आसान है, मतलब अगर किसी को ड्राइविंग मालूम है तो थोड़ा पैसा अगर इन्वेस्ट कर सकता है, खर्चा कर सकता है, तो उसके लिए ये मतलब एक फिक्स काम होता है, ठीक है ना। अगर आप आपके पास लाइसेंस है, आप लाइसेंस बना लिया है, तो ये सोच लीजिए कि ये आपके पास एक काम है ऑलरेडी, आपको किधर जाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा रिस्क के काम है, धूप में करना पड़ता है, एक्सीडेंट वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो सब जो भी आप जब लाइसेंस बनाओगे तो लाइसेंस में सब बता देंगे, रूल रेगुलेशन। अगर रूल रेगुलेशन से आप चलाओगे तो इतना मतलब रिस्क नहीं है। अभी बहुत भाई लोग हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा डिलीवरी करना है, तो एक से एक मतलब जल्दी करते हैं, रेस्ट नहीं लेते, सोते कम है, ठीक है ना। तो उनके लिए थोड़ा रिस्क है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करोगे तो आपको इतना रिस्क नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ज़्यादा खाने का सोचोगे तो उसमें रिस्क भी उठाना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप जो भी नॉर्मल भी अगर आप करोगे फिर भी 3000 तक तो आप कैसे भी 2500 से 3000 तक आप कैसे भी बचा लोगे, ठीक है ना। अगर नॉर्मल डिलीवरी करोगे, एकदम कम डिलीवरी करोगे, कम मेहनत करोगे, अगर ज़्यादा करोगे तो फिर भी 4500 से 4000 तक आपको आ जाएगा। उसमें पहले सिर्फ फूड डिलीवरी के लिए वो उसमें मांग रहता था, लेकिन अभी हर एक चीज़ के लिए मांग हो गया। अभी सुपर मार्केट के लिए हो गया, उसके बाद मेडिकल के लिए, दवा वगैरह, हर एक चीज़ आजकल ये लोग मतलब डिलीवरी बॉय से मंगाते हैं, उसमें मतलब ये तलबा से मंगाते हैं, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा ज़्यादा ही मतलब उसका मांग हो रहा है, पहले एक ही चीज़ का था, सिर्फ फूड डिलीवरी का था, खाना का था, ठीक है। दोस्तों अभी जितना जानकारी है मुझे, मैं आप लोगों को बताया। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट पर बताइए, मैं ज़रूर आपको गाइडेंस करूँगा, जानकारी दूँगा। और अभी के लिए टाटा बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए।